किसी शहर में चक्रधर नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उनकी बहुत बड़ी चमड़े की फैक्ट्री थी। उनका उद्देश्य पैसा कमाने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम देना भी होता था। फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लोग उन्हें भगवान मानते थे। किसी दिन अगर चक्रधर जी फैक्ट्री ना आए तो भी काम आसानी से चलता रहता था। उनका एक पोता था जो विदेश से पढ़ाई पूरी करके घर वापस लौटा था। वह अपने दादाजी से कहता है, दादाजी क्या मैं अब आपकी फैक्ट्री में हाथ बटा सकता हूँ? सुरेश बेटा, तुम फैक्ट्री में हाथ बटाने की बात कर रहे हो, अब तुम्ही को फैक्ट्री को आगे बढ़ाना है। लेकिन बेटा ध्यान रखना, मेरा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देना भी है। जी दादाजी, इस बात का मैं ध्यान रखूँगा। अगले ही दिन से सुरेश फैक्ट्री जाने लगता है। पहले ही दिन से सुरेश फैक्ट्री में होने वाली हर छोटी बड़ी समस्याएं ढूंढने लगता है ताकि व्यापार को तेजी से और आगे बढ़ाया जा सके। दादाजी आज मैंने फैक्ट्री में सब जांच पड़ताल की। मशीनें पुरानी होने के कारण बहुत आवाज़ करती हैं और उन्हें पल पल में मरम्मत की ज़रूरत भी पड़ती है। हमें अगर व्यापार को तेज़ी से आगे बढ़ाना है तो हमें नई मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए दादाजी हम पुरानी मशीनें बेच दें तो वो सही होगा। नहीं बेटा सुरेश, इन्हीं मशीनों के द्वारा हमारा व्यापार इतना आगे बढ़ा हुआ है। तुम चाहो तो नई मशीन खरीद कर ले आओ, लेकिन पुरानी कोई भी मशीन मत बेचना। ठीक है दादाजी, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। फिर सुरेश नई बड़ी मशीन खरीद लेता है और उसका व्यापार तेजी से आगे बढ़ने लगता है। 4 महीने बीतने के बाद सुरेश फैक्ट्री के कर्मचारियों को बताता है कि उसे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है जिसे 20 दिनों के अंदर पूरा करना है। 10 दिन बीत जाने के बाद कर्मचारी बोलता है, सेठ जी बड़ी मशीन में खराबी आ गई है और सुधारने वाला 6 से 7 दिन में आएगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। सुरेश फिर अपने दादाजी के पास पहुंच जाता है। दादाजी एक बड़ी समस्या आ गई है, वो नई मशीन में खराबी आ गई है जैसे सुधारने में 1 हफ्ता लग जाएगा। चिंता मत करो बेटा सुरेश, हमारे यहाँ जो पुरानी मशीनें रखी हुई हैं उनकी मरम्मत हमारे फैक्ट्री के कर्मचारी कर लेते हैं, इनके द्वारा तुम्हारा ऑर्डर पूरा हो जाएगा। ठीक है दादाजी, वो ऑर्डर इन मशीनों द्वारा 20 दिन में पूरा हो जाएगा। सुरेश फिर उन पुरानी मशीनों द्वारा अपना ऑर्डर को पूरा कर लेता है। दादाजी आपने सही कहा था, हमें पुरानी मशीनें बेचनी नहीं चाहिए, वो कभी ना कभी हमें कहीं ना कहीं काम दे ही देती हैं। सुरेश बेटा, जिस तरह से बंद गाड़ी हमें दिन में 2 बार सही टाइम बताती है, वैसे ही पुरानी मशीनें हमें कहीं ना कहीं काम पड़ ही जाती हैं। इसीलिए अंग्रेजी में कहते हैं, ओल्ड इज गोल्ड।